मर्चेंट नेवी जो शिप्स है, बहुत सारे टाइप के शिप्स होते हैं, और वो किस टाइप के शिप्स होते हैं और क्या कैरी करते हैं, तो इसी के बारे में मैं ये वीडियो जो है मैं बनाया हूँ। तो वीडियो को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग जो है लास्ट तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि जो शिप्स होती है वो कितने टाइप के शिप्स होती है और क्या क्या कार्गो कैरी करती है। मर्चेंट नेवी जो में जो शिप्स है वो डिफरेंट टाइप के शिप्स है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के शिप्स है और अलग अलग टाइप के कार्गो लोड करते हैं। जैसे कि हम बात करें बल्क कैरियर की, तो बल्क कैरियर जो होती है आपको नॉर्मली जो है बल्क फॉर्म में, जैसा आपको व्हीट हो गया, गेहूँ हो गया, राइस हो गया, कोल हो गया, आयरन ओर हो गया, और शुगर हो गया इन बैग फॉर्म्स, ठीक है, और बहुत सारे जो अलग जो कार्गोज होते हैं जैसे ग्रेनाइट के स्लैब्स हो गए, तो डिफरेंट टाइप्स के जो कार्गो होते हैं वो बल्क फॉर्म में जो लोड होते हैं वो उसमें बल्क कैरियर में लोड करते हैं हम लोग। तो नॉर्मली बल्क कैरियर में जो है वो हैचेस होती हैं और हैचेस के अंदर जो है कार्गो लोड करते हैं हम लोग। अब बल्क कैरियर के बाद, अब बाद में हम जो बात करें जनरल कार्गो की, जनरल कार्गो इन द सेंस हम लोग बोलेंगे इसमें अलग अलग तरीके से तरीका का कार्गो हम लोड कर सकते हैं, बट बेसिकली बल्क फॉर्म में ड्राई कार्गो ही लोड करते हैं, लिक्विड कार्गो नहीं। जैसे कि हो गया एक हैच में हो गया हम लोग व्हीट बैग लोड किए, ठीक है, दूसरे हैच में हम लोग शुगर बैग लोड किए, तो डिफरेंट डिफरेंट डेक के ऊपर में हम लोग जो है कुछ लॉक्स लोड कर लिए, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्गो इसमें हम लोड करते हैं। मेरे कार्गो की जो है सेम ग्रेड की कार्गो नहीं भी लोड होगा तो डिफरेंट ग्रेड की कार्गो में जो लोड करते हैं, तो ये होगी आपकी जो जनरल कार्गो। अब बात करें हम लॉग कैरियर की, तो लॉग कैरियर जो होती है वो स्पेशलाइज टाइप की वेसल्स ही होती है जो स्पेशली लॉग्स लोड करने के लिए ही बनाया जाता है, तो इसके ऊपर भी जो है हैचेस के अंदर होती है, बल्क कैरियर की जैसी हैचेस के अंदर लॉग लोड होती है, और इसको जो है डेक के ऊपर भी हम लोग, मतलब हैच के ऊपर भी लॉग्स लोड होते हैं, तो वहां पे हम लोग चैनल्स बने होते हैं जिसके बीच में हम लोग जो है लॉग्स लोड करते हैं वहां पे। तो ये जो होती है डिफरेंट स्पेशलाइज होती है लॉग कैरी के लिए ही। उसके बाद में लॉग कैरियर के बाद में बात आती है देखिए ऑयल्स की, लिक्विड फॉर्म में ऑयल्स लोड करने, तो लिक्विड फॉर्म में जो ऑयल लोड होती है उसके डिफरेंट वेसल्स भी है, जैसे हो गए प्योर प्रोडक्ट कैरियर। प्रोडक्ट कैरियर का मतलब हो गया जहाँ पे ऑयल, केरोसिन, डीजल, ठीक है, नाफ्ता, ये सब जो है प्योर ऑयल में आती है, तो जहाँ पे हम लोग का जो है अलग डिफरेंट टैंक्स होती है, डिफरेंट टैंक्स में हम लोग का कार्गो लोड होती है, बट प्रोडक्ट कैरियर में भी हम लोग डिफरेंट टैंक में डिफरेंट ग्रेड ऑफ कार्गो भी लोड कर सकते हैं। उसके बाद में जो है केमिकल टैंकर्स की बात आई, केमिकल टैंकर्स की जो बात है तो वो भी स्पेशलाइज टाइप ऑफ वेसल होती है स्पेशल कार्गो लोडिंग के लिए, केमिकल लोडिंग के लिए। बहुत सारे केमिकल टैंकर्स में लूब ऑयल भी आजकल लोड होते हैं, बट सेम ग्रेड का लूब ऑयल जो है वो लॉन्ग टर्म्स के लिए लोड हो रहे हैं। पाम ऑयल भी लोड होती है, पाम ऑयल के बाद जब है उसको केमिकल्स भी लोड होती है, और इस जहाज की स्पेशलिटी क्या होती है, इस जहाज की हर टैंक की जो है अलग इंडिविजुअल लाइंस होती है, इंडिविजुअल मैनिफोल्ड होती है, इंडिविजुअल पंप्स होती है, तो नॉर्मली जो केमिकल टैंकर्स होते हैं वो आपको जो है डिफरेंट लाइंस फॉर द डिफरेंट टैंक्स, डिफरेंट पंप फॉर द डिफरेंट टैंक्स एंड डिफरेंट मैनिफोल्ड फॉर द डिफरेंट टैंक्स, तो ये केमिकल टैंकर्स में होती है। उसके बाद में आती है क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल जो होती है रॉ जो तेल हम जो मतलब जमीन से जो निकालते हैं, मतलब फील्ड से जो ऑयल फील्ड से निकलते हैं रॉ क्रूड ऑयल जो, मतलब उसको हम लोग ने रिफाइन नहीं किया हुआ है, तो वो क्रूड ऑयल कैरियर से, तो क्रूड ऑयल जो होती है वो थोड़े जाड़े टाइप के क्रूड ऑयल्स होती है, तो ये भी जो होती है डिफरेंट अलग ग्रेड प्रोडक्ट कैरियर से अलग होती है। क्रूड ऑयल में नॉर्मली हम लोग क्रूड ऑयल ही लोड करते हैं, इसमें उसमें प्रोडक्ट डीजल या पेट्रोल इसमें नहीं लोड करते हैं हम लोग। उसके बाद में बात आती है गैस फॉर्म में, जैसा हो गया आपकी एलएनजी हो गया, एलपीजी हो गया, ठीक है, तो गैस कैरियर्स हो गया, तो ये इसमें जो होती है वो टैंक्स बने होते हैं डेक के ऊपर, मैं आप लोग ने देखा होगा बहुत सारे वीडियोस में डेक के ऊपर जो है टैंक्स बने हैं, इस टैंक्स जो है नॉर्मली जो है कार्गो लोड होती है, कभी गैसेस फॉर्म में कभी एलएनजी मतलब एलपीजी भी होती है, ठीक है, तो ये होती है आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो वेसल्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्गो जो होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ वेसल में क्या क्या कार्गो जो है लोड्स होती है। तो यही था मुझे आप लोगों को बताने के लिए कि किस कितने टाइप के जो वेसल्स होती है और किस टाइप के वेसल में क्या क्या कार्गो जो लोड होती है। तो अगर वीडियो को अच्छा लगे, पसंद आए, तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए।